Good morning, this is Sir Preeti Kaushik and welcome back to your channel Preeti Kaushik Classes. And our today's topic is removal of company auditors. यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि कंपनी ऑडिटर्स को हम किस तरीके से रिमूव करते हैं या फिर हम कैसे रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि कंपनी ऑडिटर्स को रिमूव कैसे करते हैं, क्योंकि हमने कंपनी ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट देख लिया, उनकी क्वालिफिकेशंस देख ली, डिसक्वालिफिकेशन देख ली, कंपनी ऑडिटर को जो रेम्यूनरेशन दी जाते हैं वो भी हमने देख ली. तो चलिए देखते हैं कि कंपनी को ऑडिटर को किस तरीके से रिमूव किया जाता है. ओके, रिमूवल ऑफ ऑडिटर. द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. कहता है कि अगर ऑडिटर को अपॉइंट जब किया गया हमने सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग, तो उसको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. यानी कि अगर उसके टर्म की एक्सपायरी नहीं हुई है उससे पहले हम उसको रिमूव कर सकते हैं ओनली बाय स्पेशल रेजोल्यूशन. लेकिन केवल और केवल स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही हम उसको रिमूव कर सकते हैं ऑफ द कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी क्या करना पड़ेगा, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, देन उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अप्रूवल होगी वो हमें डिस्क्राइब्ड मैनर में चाहिए. बिफोर रिमूवल द ऑडिटर कंसर्न शैल बी गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड. और क्या कहना है, जब ऑडिटर को यानी कि ऑडिटर को हम रिमूव कर रहे हैं तो उससे पहले ऑडिटर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको सुनने की, यानी कि उसको अपनी ओर से सफाई देने का एक मौका मिलेगा कि अगर वो कहना चाहता है कि मैं गलत नहीं हूँ, कि मेरे को क्यों निकाला जा रहा है, अभी तक तो मेरा जो जिस टर्म के लिए मेरे को अपॉइंट किया गया है वो भी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो फिर मेरे निकालने के पीछे क्या रीज़न है. या फिर अगर वो अपने आप को निर्दोष प्रूव करना चाह रहा है तो वो प्रूव कर सकता है. यानी उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको सुना जाएगा. ठीक है, और क्या क्या अब हमारा तरीका क्या रहेगा ऑडिटर को रिमूव करने का. अगर हम ऑडिटर को रिमूव कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी ऑफ टर्म से पहले, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. स्पेशल रेजोल्यूशन पास कब होएगा, जब होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन मिल जाएगी, अप्रूवल मिल जाएगी, वो भी डिस्क्राइब्ड मैनर के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग बताया गया कि ऑडिट को रिमूवल हम इस तरीके से करेंगे. ओके, सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 140, जो सबसेक्शन 2 है सेक्शन 140 का, वो प्रोवाइड्स करता है दैट एन ऑडिटर में रिजाइन, ऑडिटर रिजाइन दे सकता है फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से बाय फिलिंग अ स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म. क्या फिल करके, एक स्टेटमेंट फिल करके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के अंडर वो रिजाइन दे सकता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. तो क्या कैसे करना पड़ेगा उसे, अगर वो रिजाइन देना चाहता है तो उसे विद इन 30 डेज के एक पीरियड के बीच में ही आरओसी के पास प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में एक स्टेटमेंट को फिल करना पड़ेगा इंडिकेटिंग रीजंस ऑफ रेजिग्नेशन. और साथ में साथ उसे ये भी बताना पड़ेगा कि उसके रेजिग्नेशन के रीजन क्या है, कि वो क्यों चाहता है कि वो रिजाइन देना क्यों चाहता है, इस बात के रीजंस भी साथ में लिखेगा. और क्या करेगा, एक स्टेटमेंट फिल कराएगा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म आरओसी के पास 30 डेज के अंडर अंडर. सबसेक्शन 5 एम्पावर द ट्रिब्यूनल दैट इज कैन शू मोटो और एन ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द एग्रीड पर्सन. क्या होते हैं, जो सबसेक्शन 5 है ये एम्पावर करता है ट्रिब्यूनल को, यानी ट्रिब्यूनल को ये पावर दे रहा है सबसेक्शन 5 दैट इट कैन शू मोटो, कि ये जो ट्रिब्यूनल है ये उसकी अथॉरिटी है ट्रिब्यूनल के पास, और एन एप्लीकेशन मेड टू इट, या फिर उसके पास किसी ने एप्लीकेशन दिया, मतलब कि ट्रिब्यूनल के पास ये पावर भी है इतनी, और या फिर किसी ने उसको एप्लीकेशन दिया ट्रिब्यूनल को, या तो वो किसने दिया है वो एप्लीकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर एग्रीड पर्सन ने. तो अगर सेटिस्फाइड है ट्रिब्यूनल दैट द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी कैन हैज एक्टेड इन 191 फ्रॉडुलेंट, नहीं सॉरी 191 नहीं आएगा यहाँ पे, कहता है अगर उसने एक्ट किया है फ्रॉडुलेंट मैनर में और वो कोई भी एबडेटेड है या फिर कोलूडेड है किसी भी फ्रॉड के अंदर इनकन्वीनियंस विद कंपनी, यानी कंपनी के साथ चालाकी करने में अगर ऑडिटर का हाथ है, और इट्स डायरेक्शन ऑफिसर्स मे ऑर्डर और डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज द ऑडिटर्स. यानी कि क्या कहता है ये जो सबसेक्शन 5 है ना, ये ट्रिब्यूनल को इस बात को एम्पावर कर रहा है कि ट्रिब्यूनल के पास इतनी पावर है
कि या तो ट्रिब्यूनल को खुद कुछ गड़बड़ी लगती है या फिर ट्रिब्यूनल के पास सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एग्रीव्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराती है और उन्हें किससे प्रॉब्लम है, ऑडिटर से प्रॉब्लम है। जब ट्रिब्यूनल चेकिंग करता है तो ट्रिब्यूनल को भी मिलता है कि जो ऑडिटर है वो रियल में फ्रॉड कर रहा है, कंपनी के साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहा है। अगर ट्रिब्यूनल इस बात से एग्री हो जाता है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ट्रिब्यूनल ऑडिटर्स को चेंज कर सकता है, मतलब कि ट्रिब्यूनल के पास भी ये पावर है कि वो ऑडिटर को रिमूव कर सकता है। ओके, सच रिमूव्ड ऑडिटर्स, और जो ऐसे ऑडिटर जिनको रिमूव किया गया है ना बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, मतलब ट्रिब्यूनल का ऑर्डर मिलने के बाद जिनको रिमूव किया गया है, शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एन ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी। तो ये जो ऑडिटर है ऐसे जिनको रिमूव किया गया है ट्रिब्यूनल के थ्रू, वो अपॉइंट नहीं किए जा सकते किसी भी कंपनी के अंदर फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रिब्यूनल ऑर्डर। जिस दिन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि आप यहाँ से अभी के अभी छोड़ के जाओगे, यानी आपने कंपनी में फ्रॉड किया है, आपने कुछ गलत एक्टिविटी किया है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अभी इस फर्म को छोड़ना होगा। तो जिस दिन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया उसके 5 साल बाद तक ऑडिटर एलिजिबल नहीं होगा कि दूसरी फर्म में दूसरी कंपनी में जाके बैठ जाए कि मुझे ऑडिटर के रूप में अपॉइंट कर लो, नहीं ऐसा नहीं होगा। एंड दे शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कहता है कि जो फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रिब्यूनल्स, कहता है ऑर्डर के ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर, ये तो हो गया। कहता है एंड दे शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर एक्शन, और जो ये जो ऐसे रिमूव्ड ऑडिटर्स हैं जो कि ट्रिब्यूनल ने रिमूव कर दिया, वो ऐसे ऑडिटर लायबल होंगे, एक्शन भी लिया जाएगा उनके ऊपर, यानी पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है उनको, कोई यानी इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, तो कोई भी मतलब एक्शन के लिए भी लायबल है वो, ठीक है। अंडर सेक्शन 44 यानी 447 ऑफ द कंपनी एज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 447 के अंदर ये बात मेंशन है कि अगर कोई ऐसा पर्सन, यानी कि कैसा पर्सन जिनको रिमूव कर दिया गया है ट्रिब्यूनल के थ्रू, तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 447 के अकॉर्डिंग लायबल है वो, कि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। वेयर द ऑडिटर इज अ फर्म, द लायबिलिटी फॉर कोल्यूजन फ्रॉड एटसेट्रा शैल एक्सटेंड टू एवरी पार्टनर ऑफ सच फर्म। अगर बात हो रही है यानी ऑडिटर कौन है, ऑडिटर एक फर्म का मेंबर है, यानी कि पूरी की पूरी फर्म को हमने ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया है कंपनी के अंदर, ऐसा हम कर सकते हैं, ये बात हमें पता है कि हाँ जी हम कंपनी के अंदर एक फर्म को ऑडिटर के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा कर रखा है और वो फर्म में से जो एक पर्टिकुलर ऑडिटर है वो पाया जाता है गिल्टी, तो इस केस में क्या करेंगे, अगर हम यानी कि लाइबिलिटी जो है उस फ्रॉड की वो हर एक पार्टनर तक एक्सटेंड की जा सकती है, और मतलब होगी ये बात कि मतलब हर एक पार्टनर लाइबल होगा उस फ्रॉड के लिए, उस कोई भी लाइबिलिटी यानी कुछ भी अगर उसने गड़बड़ी की है उस ऑडिटर ने, एक पर्सन ने बेशक से किया है लेकिन पूरी फर्म के सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वो सारे क्या होंगे, वो सारे होंगे लाइबल, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है, तो रिमूवल ऑफ कंपनीज ऑडिटर हमारा हुआ कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।